मम्मी जी एक बात बताओ, आप खेत पे इतनी लेट रोटी लेके क्यों आती हो? इतनी देर से रोटी लेके क्यों आती हो? भूख के मारे बुरा हाल था यहाँ पर। खेत पर काम करते करते आप कम से कम 2 घंटा लेट रोटी लेके आई हो। मेरे बेटे राहुल, घर पे भी मुझे एक ही काम नहीं है रोटी बनाने का, बहुत सारे काम है। भैंस के आगे चारा डालना पड़ता है, बहुत सारे काम करना पड़ते हैं, उसके बाद ही मैं रोटी बना के तेरे लिए खेत पर लाती हूँ। अच्छा बेटा, मैं आज तेरे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लाई हूँ, कैसा लग रहा है खाने में? मम्मी जी खाने में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मक्के की रोटी तो आप कम लाई हो, 3 ही रोटी लाई हो, कम से कम 4 रोटी लाती। 3 रोटी में कहाँ पेट भर जाएगा? एक तो खेत पे ज्यादा काम करना पड़ता है, भूख भी ज्यादा लगती है। अरे मम्मी जी, मोदी जी इधर ही चले आ रहे हैं अपने पास में, इन्हें भी अपने खेत पर काम करते करते आज पूरा दिन हो गया। अरे बहन सोनिया जी, क्या राहुल के लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग लाई हो खेत पे? मैं अपने खेत पे काम कर रहा था, बड़ा दूर से सरसों का साग की खुशबू आ गई, तो राहुल मैं तुम्हारी तरफ भागा चला आया। आज खेत पे काम करते करते मुझे भी ज्यादा वक्त हो गया, इसीलिए मैं भी अपने घर पे खाना खाने के लिए नहीं जा पाया। राहुल, अगर मक्के की रोटी और सरसों का साग ज्यादा हो तो एक मक्के की रोटी के ऊपर थोड़ा सा सरसों का साग रख के मुझे दे दो। मोदी जी, वैसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, और मम्मी जी घर से मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत कम लाई है। 3 ही रोटी लाई थी मक्के की घर से, 1 रोटी तो मैं खा चुका, लेकिन कोई बात नहीं है, 2 रोटी बची है, 1 रोटी आप खा लो, 1 रोटी मैं खा लेता हूँ। और खेत में मिल बांट के खाने से वैसे भी प्यार बढ़ता है। लेकिन बहन सोनिया जी, राहुल के लिए 3 ही रोटी मक्के की क्यों पका के लाई? कम से कम 4-5 रोटी बना के लाती। मोदी जी, ये घर पे 3 ही रोटी खाता है, इससे ज्यादा रोटी खाता ही नहीं है, लेकिन आज मक्के की रोटी और सरसों का साग मैं घर से बना के लाई, इस वजह से ये ज्यादा रोटी मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं है मोदी जी, आप भी मिल बांट के राहुल के साथ खा लो। वैसे मोदी जी, मैंने आपके खेत की फसल देखी, इस बार आपकी खेत की फसल भी अच्छी है। बहन सोनिया जी, मेरे खेत की फसल तो इस बार अच्छी है ही, आपके खेत पे भी इस बार राहुल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए आपके खेत की फसल भी बहुत अच्छी है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।